गए जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब। मेरा एक नया दिन और एक नया ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। वैसे दोपहर हो रही है, सुबह का मैंने जो भी काम वाम था वो सब आपको कुछ नहीं दिखाया। सो दोपहर में मैं खाना खा रही हूँ। खाने में मैंने बनाया फ्राई राइस। इसकी रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, कुछ दिनों के बाद अगर दोबारा बनेंगे तब मैं इसकी रेसिपी डाल दूंगी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं दोपहर का खाना फ्राई राइस खा रही हूँ। तो ये फ्राई राइस मैंने बनाए थे, इसमें मोटी वाली मिर्च और ये स्वीट कॉर्न डाल के फ्राई राइस बना रही थी। थोड़ा हेल्दी भी है खाने के लिए, और यही मैंने सुबह बच्चों के लंच में पैक कर दिए थे। तो अब मैंने दोबारा फिर बनाए हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, फटाफट बना ली और खा ली। देखते हैं शाम तक अगर कुछ और बनाती हूँ तो मैं उसकी वीडियो शॉर्ट में ज़रूर डालूँगी। ये धूप बहुत तेज़ धूप है और मुझे धोने हैं ये कपड़े ढेर सारे। मैं जा रही हूँ मशीन लगाने। वही मैंने पौधों को भी पानी दिया है। मेरे पास ज़्यादातर तुलसी है, ज़्यादा अभी मैंने गमले नहीं रख रखे हैं। और ये एक छोटा सा गमला बच्चा स्कूल लेके गया था, तो मैम ने बोला कि गर्मियों की छुट्टी में इसकी देख रेख करनी है, तो ये उसके लिए गमला तैयार किया है। जा रही भाई, थोड़ा मशीन में पानी भर लेती हूँ। मेरी मशीन के अंदर का ढक्कन भी टूट चुका है, पता नहीं कैसे अपने आप ही। मुझे 10 साल की गारंटी है रही। मैं इसको वैसे यूज़ नहीं करती, मतलब कि ऑटोमेटिक टाइप में मैं खुद ही इसमें भरती हूँ और फिर अपना कपड़े धोती हूँ। तो भाई इधर मेरे भर रही है वॉशिंग मशीन, तो जाती हूँ अंदर। बच्चे आए तो उनको खाना दाना दे देती हूँ। ए सी में जल्दी जा, जल्दी गेट बंद करूँगी, जल्दी भाग 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 अंदर 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 अंदर। सुबह देखिए मैंने कमरा साफ कर दिया था, ये सब कुछ सही से बिछा दिया था। ये लड़के ने आके फिर उठा पटक कर दी। वैसे भी ये कपड़ा अजीब ही है, सोफे पे नहीं पाता, टिक जाए तो क्या बात है। वो टॉल वाला लेके आऊंगी, वो टिकेगा इस पे। तो मैं इसको भी कर देती हूँ सही, फिर थोड़ी देर बाद कोई बैठेगा फिर वही हाल हो जाएगा इसका, इसलिए मैं इस पे कवर नहीं बिछाती। पर कवर ना बिछाने की वजह से ये ज़्यादा ही गंदा हो गया, इसकी ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी मुझे। बैग एक ने यहाँ फेंका है, दूसरे ने यहाँ फेंका है, इन दोनों के बैग अब यहीं पड़े रहेंगे जब तक कल ये स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि ये उनसे उठेंगे नहीं। अब मैं तो लगती हूँ इनको खाना वाना दे के कुछ कपड़े धो लेती हूँ। हो रही थी बच्चे कह रहे नींबू पानी बनाओ, तो मैं नींबू पानी बना रही पहले। तो भाई सुबह तो फ्राई राइस बनाए थे और मैंने फिर दोबारा भी वही बनाए थे खाने के लिए, तो अच्छे लगे थे। लेकिन बच्चे आके कह रहे नहीं भाई हमें नहीं खाना, तो उनके लिए फिर रोटियां बनाने लग गई। मैं रोटी वोटी बना के उनको खिला दिया, वो गए हैं सो। अकेली मैं ही जग रही हूँ इस टाइम, और मेरे हब्बी जी तो गए हुए हैं प्लॉट पे। आज गेट का काम हो रहा है वहाँ पे, तो गेट लगवा रहे हैं, कारीगर को लेके गए थे। मैं लग रही हूँ कपड़े धोने, और बाहर धूप इतनी तेज़ हो रही, कभी बाहर कभी अंदर ऐसा आना हो रहा, तो उसकी वजह से मेरे को अजीब सी थकावट सी हो रही धूप की वजह से। तो भाई नींबू पानी बनाया था ज़्यादा करके, तो वही नींबू पानी पिया है। थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ मैं बैठ के, फिर जाऊँगी, फिर कुछ कपड़े निकालूंगी, फिर धुलूँगी। तो आज मेरा पूरा दिन का प्रोसेस वही कपड़ों का रहेगा, यही करते रहना है। देखिए मैं अभी जस्ट करके गई थी, कुछ देर पहले लड़का बैठा था उसमें, फिर चढ़ा, फिर मतलब ये जो है ये कपड़ा ही अजीब है, ये टिकता नहीं है सोफों पर। इसकी जगह शायद कुछ और कपड़ा यूज़ करके देखेंगे। मैं तो जब से लेके आई हूँ उसका और को परेशान हो जाता है, मैं चढ़ाती ही नहीं हूँ इसीलिए कि पता बार बार कवर चढ़ाऊँगी फिर कोई बैठेगा उसी टाइम ये बिगड़ जाते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो भाई मैं आराम ही कर रही थी, तो आ गए एसी वाले भैया जो कि कल उतार के लेके गए थे इसको ठीक करने के लिए। सो अब आए हैं लगाने, देखते हैं भाई कितनी कूलिंग करेगा। तो एसी वाले भैया आए हैं, एसी लगा के ऊपर गए हैं इसका चेक करने। मैं अभी वही बाहर कपड़े करके आई हूँ, कपड़े धोते धोते वही मेरे को 5 बज गए हैं, अभी दोपहर से लगी पड़ी। अब वही एसी वाले भैया का कबाड़ा हो गया, वही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा मुझे फिर से भी। तो ये मेरी नंद के बच्चे, छोटी सी लड़की और वो बेटा उधर खाना खा रहा, और ये मेरी जेठानी का लड़का। अंदर एसी वाले भैया काम कर रहे हैं, मैं रोटियां बना रही हूँ, और ये मेरे ससुर जी हैं जो कि खाना खा रहे हैं। तो आज मेरी नंद आई हुई थी छोटी वाली, क्योंकि उसके बेटे की छुट्टी पड़ गई है गर्मियों की, तो आई हुई है वो वहाँ पे, तो मुझसे मिलने आई थी। तो मैंने खाना वगैरह बनाया भाई, इनवाइट किया था, मैं कभी खाना वाना यही खा लेना, क्योंकि वो मेरी जिठानी जो है, मेरी जिठानी के साथ मेरी सास रहती है, तो नंदे आती हैं तो वहीं अपने मतलब कि वहीं पर रुकती हैं अपने मम्मी पापा के पास से। ये देखिए कितने मस्ती करने लगे। कौन सी क्लास में हो गए? फर्स्ट वाली।
फर्स्ट वाली में। हाँ। क्या क्या पढ़ाई करते हो? आपको ये स्कूल पता है कहाँ है? नहीं पता। सामने ये स्कूल तो कहाँ पे? जहाँ वाला घर नहीं है, नाली, नाली पे वही सामने। मेरे को तो नहीं बुलाता था स्कूल में। हर ज्यादा स्कूल? हाँ। भविष्य में? हाँ। और सब जाते हैं, सब जाते हैं। त्रिश का स्कूल खत्म हो गया, अब वो नहीं जाता, कॉलेज जाएगा वो। अब कॉलेज जाता है? हाँ, हाँ वो एडम के साथ खेल। इसको कब लाए? इसको एक महीना हो गया, एक महीने से ऊपर लाए थे। हाँ। और ये तेरा दोस्त एलेक्स? हाँ एलेक्स। इधर से आप काटता नहीं है? डर नहीं लगता ना भाई तेरे को? डर नहीं लगता। किचन में रोटियां बन रही हैं, बखेड़ा हो चुका है। तो भाई अचानक ही दिन में तो मैं कपड़े धो रही थी और वो एसी वाले भैया भी काम कर रहे हैं अपना, तो ऐसे शाम होते होते मेरी नंद आ गई, मेरी सास आ गई, तो वो होके फिर गए। तो मैंने इनवाइट किया था भाई खाने पे आ जाना, तो वही खाना बनाने लग गई मैं। खाना बना के सबको खिलाया, तो मेरे ससुर जी सब आए थे बच्चे मेरी नंद के, तो उसी में बिजी थी मैं। अब रात हो चुकी है और उधर मेरे वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं वो उसके अंदर सूख चुके हैं, फैलाने थे वो भी नहीं फैलाए वो, अब मैं जाके फैलाऊंगी। और ये अंदर वाले कमरे का बच्चों ने गुब्बारे गुब्बारे क्या हाल कर दिया, गुब्बारे का पैकेट निकाल के इधर उधर इधर उधर सारा फैला दिया। तो भैया मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल ही, खाना वगैरह मेरा बन ही गया है, रसोई का फैलवाड़ हो गया, उसको संगवा के अच्छे से और फिर अपना भाई लेटूंगी आज मैं। तो रात हो गई है, ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।